हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं कालीन धोने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से कालीन को धो लेती हूँ। बड़ी इजीली धुल जाता है बहुत जल्दी और एकदम नया सा लगने लगता है। तो बस मेरे सारे काम हो चुके हैं फ्रेंड्स और बस लास्ट रह गया था कालीन को वॉश करना। तो शादी में बहुत ज्यादा गंदा हो गया है फ्रेंड्स, हो जाता है, बच्चे सभी लोग रहते हैं तो बस वो कुछ ना कुछ गिरता रहता है, खाते पीते हैं। तो बस वही मैंने सोचा था, मैं आ रही थी शबे बरात तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं साफ कर लेती हूँ क्योंकि फातिहा होती है फ्रेंड्स तो फिर बिछाई जाती है तो सभी लोग बैठते हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं उसको साफ कर लूं, धो लूं जिससे वो क्लीन हो जाए एकदम से। तो बस चलिए, मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो चलिए मेरे साथ देख लेते हैं कि मैं कालीन को किस तरह से वॉश करूंगी और फिर करूंगी अपने आगे के और भी काम। तो दिखाऊंगी मैं कि मैं कालीन के बाद और क्या काम करूंगी। तो आ जाइए मेरे साथ, मिलकर करेंगे कालीन साफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने कालीन बिछा लिया है और कालीन को सबसे पहले हम सीख वाले झाड़ू से सूखा कालीन साफ करेंगे, उसके बाद इसे गीला करेंगे। तो बस अब ये साफ हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। दिखाते हैं कौन सा वाला पानी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो शैम्पू लिए हैं, ये हम डालेंगे बाल्टी में, आधा बाल्टी पानी है। तो बस इसमें डालना है हमें सर्फ, कोई भी सर्फ ले लेना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है दोनों चीजों को। बस अभी इसे अच्छी तरह से सब जगह डाल लेना है। और अब लेंगे एक ब्रश कपड़े धोने वाला और उस कपड़े धो thank you।
डाला है वो अच्छी तरह से हमारी कालीन से निकल ना जाए तब तक करना है। और अभी इस पानी को करेंगे बंद। पानी किया बंद और उसके बाद एक बार फिर से वाइपर से इसका सारा पानी निकाल देना है, सब पानी को सोख कर देना है। उसके बाद इसे हम तार पे डालेंगे, तो दिखाती हूँ मैं किस तरह से डालूंगी। अभी जरूरत पड़ेगी रियान फरान की मदद की, बुला लेते हैं उन्हें। लाल ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो। तो ये देखिए एकदम साफ हो चुका है हमारा कालीन। मैं हो चुकी हूँ फ्री, नहा लिया है, कालीन हमारा धुल चुका है और सूखने डाल दिया है। लेकिन अभी उसको धोने के बाद मुझे करना है पापड़ बनाने हैं फ्रेंड्स मुझे। और क्योंकि आया था हमारे छोटे देवर सा का कमेंट कि ज्यादा बना लेना, मैं आऊंगा तो ले जाऊंगा, तो बस थोड़े से और बना लेती हूँ। तो बस वही बना रही हूँ। और तो चलिए देख लेते हैं, सेम प्रोसेस है सिर्फ बनाते हुए दिखाएंगे। आ चुके हैं हम हमारे किचन में, हमारे सबसे फेवरेट जगह, लेडीज की सबसे फेवरेट जगह किचन ही होती है, तो वहां मैं आ चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स स्पेशली हांडी पापड़ मेरे स्टाइल में। नहीं कोई हांडी पापड़ नहीं है फ्रेंड्स, बस ये इसमें मैंने कर लिया क्योंकि मोटा है, अच्छा है, तो अच्छे से आंच लग जाती है इसमें, पक जाता है अच्छी तरह से। और इसे मैंने लिया था अजमेर शरीफ से, आपको नहीं दिखाया रहा, भूल गई थी, दिखाया तो मैंने कुछ भी नहीं कि मैंने अजमेर से दूसरी बार में क्या शॉपिंग की है, कुछ भी नहीं दिखाया, कोई नहीं, जब भी आएगा हाथ लगेगी कोई चीज तो बस इसी तरह से दिखा दूंगी जैसे अभी बता रही हूँ। तो ये है और अभी ये बिल्कुल रेडी था हमारा, तो इसे हम खोलेंगे और इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन यहीं से अंदर से ही मिक्स करके लेके चलेंगे हम बाहर। तो बस अभी कर देते हैं मिक्स और एक मिनट अभी आपको इसको मिक्स करने से पहले आपको दिखाती हूँ जो हमने इससे पहले पापड़ बनाए थे वो कितने प्यारे बने थे। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ रखे हुए हैं और दिखाती हूँ पास से कि कितना पापड़ पतला है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना पतला है, मेरा हाथ नजर आ रहा होगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर किसी को दांतों का मसला है हमारी मम्मी की तरह तो ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। मम्मी को तो बहुत पसंद आए, मम्मी बहुत तारीफ कर रही थी कि वाह बेटा बहुत प्यारे बनाए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस चलिए, और मैं खुशी के मारे फिर से बनाने लग गई हूँ। पता है फ्रेंड्स जब कोई तारीफ करता है ना तो फिर मेहनत नहीं दिखती है और कोई परेशानी नहीं दिखती है, बस हम फिर से उस काम को करने में जुट जाते हैं कि हाँ फिर से हम शाबाशियां लेंगे, फिर से तारीफें बटोरेंगे। तो चलिए, तो
अभी इसे मिक्स करते हैं फाइनली। तो बस अभी हो चुका है, चलते हैं बाहर। चलिए चलते हैं हांडी पापड़ बनाने। तो फ्रेंड्स पापड़ हमारे बन चुके हैं और यहाँ पर अभी आया था गन्ने के जूस वाला, तो मम्मी ने दिलाया है गन्ने का जूस। धूप में बैठकर पापड़ बनाए थे तो मम्मी ने कहा ठंडा ठंडा ये पी लो, तो बस आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। हाँ तो फ्रेंड्स जूस वूस हमारा पी चुका है और मैं आई हूँ हरी मिर्च फ्राई करने, तो देख लेते हम कि मैं किस तरीके से हरी मिर्च फ्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ लिया है ये 4 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून व्हाइट नमक और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा भुना कुटा जीरा लिया है और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। तो ये इन सारी चीजों को मिक्स कर बहुत यम्मी टेस्टी मिर्ची हमारी तलकर रेडी होंगी। तो मैंने बनाई ये दाल पापड़, फ्राई करूंगी पापड़ जो मैंने बनाए हैं। तो बस अभी पहले मिर्च फ्राई कर लेते हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। पहले इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे और मिर्च को बीच से कुछ इस तरह से हमें कट लगाना है। ये देखिए इन सारी को मैंने कट लगा कर रख लिया है रेडी करके, लेट ना हो इसलिए। तो बस ये देखिए एक मैंने दिखा दिया है, बस इस तरह से हमें खोल लेना है और ये सारे मसाला इसमें भर देना है। तो अभी मैं इन सबको मिक्स कर लेती हूँ, अभी हमें नाइफ की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने साइड कर दिया है। तो ये बेसन जाएगा इसमें और ये सारे मसाले चले जाएंगे इसमें। और अभी इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। तो बस ये अच्छी तरह से मिक्स है और अभी हम इन्हें भरने से पहले गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म होगा तब तक हमारा ये काम रेडी हो जाएगा। तो दोनों काम एक साथ, बस यहाँ हमने ऑयल डाल दिया है और गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग जाएगा स्लो स्लो में, तब तक ये गर्म हो जाएगा। तो बस कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ नहीं, बस बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर बस इसे खोल लेना है और इसमें ये थोड़ा सा जो मसाला है वो डाल देना है। इसी तरह से सारी मिर्च को हम भर लेंगे, बर्मा मिर्च बना रहे हैं, बर्मा मिर्च फ्राई कर रहे हैं। तो बस यही है, तैयार है और अभी इसे हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा बीस में डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तो
आगे अपने संदूक को साइड में करेंगे। संदूक नहीं है फ्रेंड्स, मैंने नाम रखा है इसका संदूक। ये मुझे मेरे हबी ने गिफ्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने गिफ्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत मेरी दिली तमन्ना थी कि ये मुझे चाहिए थी इस तरह से। और उन्होंने बस एक बार मेरे मुंह से सुना था और तुरंत मेरे लिए ये ऑर्डर कर दिया था। बात करते था कि हमने यहाँ पर मिट्टी ऐड कर लिया है, आपको बता रहा है और आपको मिट्टी है। बस इन्हें थोड़ा सा अलग पलट करेंगे। गैस के फ्लेम को करेंगे मीडियम, क्योंकि अब तक स्लो है, अभी मीडियम करेंगे। और यहाँ इस काम को करने से पहले मैंने किए थे पापड़ फ्राई, जो कि आप पास ही में रख लिए हैं ताकि आपको दिखा सकें। तो ये देखिए वही पापड़ है जो मैंने बनाए हैं, आपको दिखाए थे मैंने कितने पतले बने हैं और बहुत ही ज्यादा। ये देखिए आपको पास ही दिखाती हूँ, है ना। बस सिंपल ट्राई कर लेंगे इसी तरह से मिलते ट्राई करने के बाद। मिर्च हो चुकी है हमारी ट्राई, अभी गैस के फ्लेम को करेंगे ऑफ। खूबसूरत यम्मी टेस्टी बन चुकी है ये फाइनल लुक। और बस ये तो हमारी तो निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेट में। ये हमारी मिर्च तो रेडी है, अभी खा लेते हैं खाना और मिलते हैं खाने के बाद। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं खाने के बाद फिर से किचन में। तो किचन में मैं आई हूँ अब स्पेशली अपने बेटों के लिए लस्सी बनाने। तो मैं लस्सी बना रही हूँ काजू बादाम लस्सी मेरी स्टाइल में। और यहाँ मैंने सर्व करने वाली हूँ मिट्टी के ग्लास में, और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी दुकान लगा ली है। लस्सी की दुकान लगाई है इस बार मैंने, कोई कपड़ों की नहीं लगाई है, कोई मेकअप के सामान की नहीं लगाई है, इस बार मैंने लस्सी की दुकान लगाई है। आपको लेनी है। तो चलिए अभी पहले बनाते हैं लस्सी मिलकर। तो यहाँ पर मैंने जमाया था ये भी मेरी स्टाइल का दही है, मैंने जमाया था ये। तो बस अभी इसमें दही डालेंगे, बेटे भी पियेंगे और मम्मी भी पियेंगी, पापा भी पियेंगे और दादी अम्मी भी पियेंगी, सभी लोग पियेंगे। हम पांच लोग हैं, पांचों पियेंगे, पांचों से लस्सी बस इंजॉय करेंगे, लेकिन बन उन दोनों की वजह से नहीं है। तो बस दही जाएगा, थोड़ा सा इसमें रख लिया है अगली बार बनाने के लिए। और अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ रुआब्जा, जो कि बहुत टेस्टी लगता है लस्सी हो या कोई भी जूसेस हो, लेमन जूस हो, ये रुअब्जा ऐड करने से बहुत उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो बस अभी ये डाल देते हैं। मुझे पता है वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा चलता है। अभी इसे करते हैं साइड में और इसमें डालते हैं चीनी, तो डाल लेते हैं यहाँ पर चीनी जाएगी, बस इसे भी साइड करेंगे। तो अभी इन चीजों की अभी जरूरत नहीं है, इन्हें साइड में करेंगे। और यहाँ पर हम अपने ग्राइंडर को पास करेंगे। रोकेंगे, फिर से चलाएंगे ताकि इसमें बढ़िया से झाग आ जाए। झाग आते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए रुक रुक कर चलाएं, बार बार रुक रुक कर। तो बना लेती हूँ और मिलते हैं बनाने के बाद। तो बस रेडी है,
और इसे हम साइड में रखेंगे, इसे निकालेंगे। मेरी स्टाइल में है तो मैं मेरी स्टाइल में ही निकाल रही हूँ, आप जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे करें। अभी ग्रेट करेंगे इन्हें, कट नहीं करेंगे, ग्रेट करके डालेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आता है। जो ये रेशे रेशे काजू के और बादाम के जो मुंह में आते हैं ना, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हमने ग्रेट कर लिया है, अभी इसमें ऐड कर देंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। काजू और बादाम दोनों हैं ले लिए हैं मैंने, थोड़े ही क्रश किए हैं, बाकी ये रखे हुए हैं, अगर जरूरत लगेगी तो कर लूंगी वरना रख दूंगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी लस्सी का फाइनल लुक, और ये थोड़े से इस तरह से ऊपर रख देंगे हम ये टुकड़े, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, थोड़ा सा खूबसूरत तो लगना चाहिए ना। तो बस बड़े दिनों के बाद आई हूं मैं ये वर्ड लेकर, खूबसूरत, यम्मी, टेस्टी, मेरी स्टाइल में। कैसी लग रही है फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, ये मेरी लस्सी मेरी स्टाइल में है। तो अभी चलिए डन, तो ये देखिए लस्सी बनकर रेडी है और हमारे फलान के मुंह में तो बहुत जोरों से पानी आ रहा है। अभी पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एकदम यम्मी टेस्टी। तो अभी इसे पहले टेस्ट करते हैं फिर आगे सर्व करेंगे, और अभी इसे टेस्ट कर लेते हैं और फिर आगे देते हैं। यम्मी टेस्टी बेहद, बहुत टेस्टी है फ्रेंड, बहुत टेस्टी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आप ट्राई करेंगे तो यकीन हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, बिल्कुल भी मत भूलिए, मैंने याद दिला दिया आपको। तो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट की वजह से ही हमें मोटिवेट मिलता है और कुछ अच्छा करने का दिल करता है, कुछ अच्छा आपको दिखाने का दिल करता है, लेकिन आप लोग कभी मेरी बात नहीं सुनते हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए चलता है, जैसे मैं बिजी वैसे आप भी बिजी है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो अभी फाइनली मैं आप लोगों से लेती हूँ विदाई, चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।